आप सबको पता है कि 3 मई 2023 से आज तक मणिपुर जल रहा है और वहाँ कुकी और मैते जो हिस्टोरिकली सदियों से एक साथ बहुत शांतिपूर्वक जी रहे थे, आज इस कगार पे हैं कि एक दूसरे के जान पे तुला हुआ है। और 3-4 मई के दौरान और उसके बाद बहुत सारी औरतों के साथ एबडक्शंस, रेप, गैंग रेप और बहुत लोगों का बीहेडिंग्स, जो सर काटना, जान से मारना और गैंग रेप, नेकेड पैरेडिंग, नंगा करके घुमाना, बहुत कुछ हादसा हुआ है। तो हम सब लोग बहुत दिनों से सब अपने अपने जगह पे बहुत दुखी होके रो रहे थे, सोच रहे थे, अपने जान पहचान लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे इतने दिनों तक अभी तक इंटरनेट भी नहीं है मणिपुर में, तो खबर लेना भी बहुत मुश्किल है। फिर आज जो रिलीफ कैंप्स में दवाई पूरी तरह नहीं मिल रहे, दवा पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है, और छोटे बच्चों का जो इन्फेंट फूड वगैरह है वो भी हासिल नहीं है, और प्रेग्नेंट वीमेन के लिए डिलीवरी का कोई प्राइवेसी, रहने का कोई प्राइवेसी नहीं है। और वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ रहे थे, उनके पास अभी कागज़ कलम कुछ नहीं है, सब कैंप में ऐसे बैठे हैं, कब क्या होगा अभी तक कोई फिक्स प्लान अभी तक सामने रखा नहीं गया है। तो हम सब के लिए बहुत दुख की बात है मणिपुर में जो सिचुएशन आज है, कल को किसी और के साथ नहीं हो, ये हम लोगों को कोशिश करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा अपने भगवान से भी, अपने लोगों से भी। हमारे लीडर्स लोगों से जो गलती होती है वो जाके आम जनता को झेलना पड़ता है। जो गलती करते हैं, जो गलती करने वाले, उनको तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके गलती के वजह से जनरल पब्लिक में वायलेंस हो जाता है। और जब भी वायलेंस होता है, आप लोग देखते हैं कि औरतों के साथ जुल्म होता है, ये आज की बात नहीं है, ज़माने से ऐसे चल रहे हैं। लेकिन आज 21वीं सदी में भारतीय कानून और भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को, औरतों को बहुत सारे राइट्स, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, उसके बावजूद भी जब भी ये सब हादसा होता है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, तो हम सब अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के बैनर में वायलेंस अगेंस्ट वीमेन और जो सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन जो है उसको हम लोग कंडेम करते हैं, और शांति बहाली के लिए दोनों कन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज़ को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और जो पार्टीज इन पावर है, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन लोगों को, नेताओं को रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर का मसला आप लोग हल कर दें, कम से कम शांति बहाली कर दें, और जो रिलीफ कैंप्स में है उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करा दीजिए। बहुत शुक्रिया।